वो चंद्र को धर्म आलती आपस में टापुके में बात करते। शाम को दिन छिप गया, वो शिजाज में बातें करते करते दिन छिप गया और शाम को एक टापू के में वो जहाज रोक दिया और रात्रि के विश्राम के लिए चंद्रगुप्त धर्म मालती टापू में ठहर जाते हैं। सजनो, रात्रि को आधी रात का समय चंद्रगुप्त के मन में ख्याल आया, अगर धर्म मालती ने मैं घर लेके चलू तो लोग यूं कहेंगे कि किसकी छोरी ने बजा के लाया है, हाँ किसके किसकी वीरवाणी ने चुरा के लाया है, मैं क्या जवाब दूंगा। सज्जन उनके मन में तरकीब आई कि क्यों ना धर्म मालती को टापू में सूती छोड़ चलो। सज्जन धर्म मालती को टापू में सूती छोड़ अपने जहाज पर विराजमान होकर के चंद्रगुप्त चला जाता है। सुबह उठते ही धर्म मालती ने देखा कि जहाज कौन है और चंद्रगुप्त के पास कौन है। टापू में बियाबान जंगल, सज्जन और धर्म मालती ने अपने वो गहने वस्त्र जेवर तारे और एक पोटली में रख लिए, बांध गए और जो वो बालों का जो जूड़ा था उसमें से गजरा खोल के और वो जूड़ा इस तरह से बांध लिया जिस तरह से साधु का छोटा होया करता है। धर्म मालती साधु का वेश बना लेती है। और सज्जन यहां का हवाला दादा लक्ष्मीचंद जी ने किस तरह से कितने सुंदर शब्दों में लिखा है, बड़ी सुंदर लगनी दीपा चौधरी आपके बीच में। चंद्रगुप्त को टोती टोती वह धर्म मालती कहां आ जाती है, कहां पहुंचती है, बड़ी सुंदर लगनी। बोली जहाज के माँ बैठ से खानी बात आई दिल्ली में, रिपीट मत करो, फिर टोहवती मिले नणंद का भाई दे में।
रागनी पे खुश होकर एनटीसी म्यूजिक कंपनी की तरफ से चल के आए हुए आदरणीय जितेंद्र जी कैमरामैन, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या कहती है दूसरी लाइनों में? हाँ? न्यू के लगी पिया जी, अगर कहीं मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता पिया जी। मेरी औरत की जात है, मैं यहाँ पे आपके बिना अकेले कैसे रहूंगी इस टापू में। अगर कहीं यहीं आसपास छुप रहे हो तो जल्दी से मेरी आंखों के सामने आ जाइए पिया जी, क्योंकि मेरी आंखें आपको देखने के लिए बड़ी बेचैन हो रही हैं। क्या कहने लगे बोला? बता दिया। स्त्री हूँ, क्या कह लगी, क्या लिखा तीसरी लाइनों में? We'll be right back.
है तोड़ किया रागने का और क्या क्या लगी बोला क्या लिखा कैसे सिंदूर मिटा के राख मांग सिंदूर